वैश गौमूत्र चाहिए हो तो कल्याण हो जाएगा। आज सवेरे मैं आगे से घूम के आ गया, कहीं भी मुझे एक भी गाय नहीं दिखाई दी। और थोड़े दिन हो गए ना तो बैंगलोर में गौमूत्र मिलना मुश्किल हो जाएगा। अब हमें किसी तबेले के बाजू में प्लॉट लेकर गाय पालनी पड़ेगी, तभी गौमूत्र मिल पाएगा। हाँ तो क्या, शुद्धिकरण के बिना कैसे आने दे? हर वक्त इसे काढ़ा लाकर देती रहोगी ना, तो जब तुम्हारी बहू घर पर आएगी तो उसकी हालत क्या होगी, गोविंद जाने। अगर वो आती है और उसको शुद्धिकरण का पता नहीं होगा तो उसे मैं तुलसी के पास तक जाने नहीं दूंगी, बता देती हूँ आपको। अच्छा अम्मी, तुम अब्बू से इतना प्यार करती हो, अब्बू को छोड़कर रह नहीं सकती हो, पर फिर भी अकेले रह रही हो। गुस्से में एक बात क्या निकली, सारा प्यार खत्म हो गया और बस अलग अलग हो गए। बोलो ये क्या अच्छी बात है? क्या करे बेटी, अब मेरा नसीब ही ऐसा है। ये कोई नसीब नहीं है, बल्कि आपकी नासमझी है। ये नासमझी हमारी नहीं है बेटी, ये नासमझी तुम्हारे अब्बू की है। मन में आया और बस तीन बार तलाक 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 बोल दिया। अब देखो वो अकेला है और तुम्हारी अम्मी भी, और अब इन दोनों को मिलाने के लिए तू लगी है। नहीं दादू, उस टाइम पर अगर अब्बू ने गुस्से में तलाक दे भी दिया हो तो सही भी किया जा सकता है, तो बोलो उसमें प्रॉब्लम ही क्या है। आज के बाद तुम अपनी जुबान पर ऐसी बात फिर कभी नहीं लाना। एक बार तलाक देने के बाद उसके नियम पालने पड़ते हैं और ये बात हर मुसलमान अच्छी तरह जानता है। इसीलिए तुम्हारे अब्बू और अम्मी राजी हैं। तुम कानून पढ़ी होगी, लेकिन वो सब इंसान ने बनाया है, लेकिन हम लोग अल्लाह के बनाए हुए कानून को मानते हैं और वो कभी बदला नहीं जाएगा। अम्मी मैं अब्बू के घर होकर आती हूँ। ठीक है बेटी। अब्बू आओ बेटी आओ। अम्मी ने आपके लिए बिरयानी भेजी है। बहुत प्यार से बनाई है आपके लिए। वो जो प्यार दिखाती है हर समय मुझे दिखता है। इस तरह इतना दूर रहने के बाद भी मुझे दुख होगा पता होता तो मैं उसे तलाक नहीं देता। अब्बू, अम्मी ने इतने प्यार से आपके लिए गरम गरम बिरयानी बनाई है और आप अभी भी पुरानी बातें लेकर बैठे हो। छोड़िए ना अब्बू। अब्बू कल से मेरे सपनों का काम चालू। गुड। सब अच्छा होगा बेटी। शुक्रिया अब्बू। खुदा तुम्हें सलामत रखे। ठीक है अब्बू, अब मैं चलती हूँ, ख्याल रखिए। वकील साहब हैं? हाँ अंदर ही है सर। कैसी हो तुम? गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार वकील साहब। अरे नमस्कार सर। ओहो क्या भाई, ऐसा लगता है कि मेरे केस की फुल स्टडी चल रही है। आपके केस में देखने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, आपका केस क्लोज हो गया इसलिए बंद कर दिया। वो सब छोड़िए वकील साहब, आपने हमारे पिछले 12 केस एकदम आराम से जीते। ये 13वां है और ये नंबर खतरनाक होता है, इसीलिए मुझे टेंशन है।
अरे क्या सर, आप भी पुराने लोगों की तरह बात कर रहे हैं। आप बस देखिए, बड़े बड़े अक्षरों में न्यूज आएगी कि किस तरह मैंने केस को चुटकियों में सॉल्व कर दिया। आप बस आराम से बैठिए और देखिए, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अब ये केस जल्द से जल्द खत्म हो जाए, इसके लिए मैं देवी माता से प्रार्थना करता हूँ, और उसके बाद मैं जल्द से जल्द MLA बन जाऊँ, ताकि मेरा सरकारी बिल्डिंग पर जो कब्जा करने का सपना है, उस पर कोई पानी न फेर सके। अरे आप टेंशन मत लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको विधानसभा तक पहुंचा कर रहूंगा। आप बस रिलैक्स रहिए, ये मेरी गारंटी है। आप प्रेशर मत लीजिए। आपकी बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं MLA बन गया हूँ। हाथ दो, हाथ दो, अपना हाथ दो। वकील साहब, इसी खुशी में मैं आपको एक और केस देना चाहता हूँ, प्लीज मेरा हाथ मत छोड़ना। आप मुझे बिजनेस दे रहे हैं तो मना करने का सवाल ही नहीं उठता, काम बताइए। वकील साहब, इस केस को एक बिजनेस की तरह ही समझना है आपको, ये मेरी पर्सनल बात है। मैंने अपनी बहन को मना किया, फिर भी उसने प्यार के चक्कर में पड़कर शादी कर ली, और एक साल होने के बाद ही कह रही है कि मुझे वो पति नहीं चाहिए। वकील साहब, मेरी बहन अपनी जिंदगी से बहुत दुखी है, उसे लगता है कि वो एक कैदी का जीवन जी रही है। अब आप कुछ भी करके उसके पति से उसे छुटकारा दिलाइए। डिवोर्स? सॉरी अध्यक्ष जी, मैं डिवोर्स के केसेस नहीं लड़ता। ऐसा मत बोलिए वकील साहब, हम दोनों भाई बहन एक ही माँ के पेट से जन्मे हैं, और मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। अब अगर वो घर वापस आना चाहती है तो भला मैं कैसे मना कर दूँ? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी बहन का डिवोर्स मत कराइए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मैं नहीं कर सकता। अब भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए, आप कुछ भी करके ये केस ले लीजिए प्लीज। नहीं अध्यक्ष जी, डिवोर्स के केसेस के लिए मुझे फोर्स मत कीजिए। अब वकील साहब, एक बार आप इस पे विचार तो कीजिए। अध्यक्ष जी, मुझे अभी बहुत काम है, मैं आपको बाद में कोर्ट में मिलता हूँ। मिलता हूँ मैडम जी, फिर आऊंगा। ओके सर। क्या सर, हमारे कर्ता धर्ता परेशान लग रहे हैं, रातों रात नदी का डैम टूट गया है, ऐसी खबर आई है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, इनके घर की नदी जो आगे निकल गई है वो अब वापस आना चाहती है। मतलब? मतलब इनकी बहन को अब डिवोर्स चाहिए, मैंने केस लेने से मना कर दिया, इसीलिए बुरा मान के चले गए। ये क्या किया सर, रेगुलर क्लाइंट है, आपको केस लेना चाहिए था। देखो, इतने सालों से मैं लॉ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन डिवोर्स केस की प्रैक्टिस मुझे अब तक नहीं है, ये तो तुम्हें पता ही है। पता है सर, आप तलाक के केसेस नहीं लेते हैं, लेकिन क्यों नहीं लेते हैं ये नहीं पता। मेरी फैमिली को फैमिली कोर्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या सर, आपकी फैमिली का मैटर तो कुछ ज्यादा ही लग रहा है। सही बात है, BCOM के बाद जब से लॉ सीखना चाहता था तब से। साइंस पढ़ने के लिए कहा तो कॉमर्स पढ़ता हूँ बताया, ठीक है बेटा बैंक ऑफिसर बनेगा, CA बनेगा ऐसा सोचा था, LLB पढ़ूंगा ऐसा बोल रहा है। पापा प्लीज, पापा मना मत कीजिए। ठीक है, लेकिन एक शर्त है, कोई भी कारण से कोई भी तलाक का केस अपने हाथों में मत आने देना, फैमिली कोर्ट का केस अपने हाथ में मत लेना, तलाक का केस छूना भी नहीं, ऐसा वादा करो। ठीक है पापा। क्या सर, फ्रॉड केस, चोरी का केस, मर्डर का केस लेते हैं, तलाक का केस क्यों नहीं लेते हैं आप? टूटा हुआ केस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक पति पत्नी के रिश्ते को तोड़ने का केस मैं कभी नहीं लूंगा। हम हर केस लेते हैं सर, फिर ऐसे केस लेने में क्या दिक्कत है सर? इस बात पर आपके पापा दिमाग क्यों लड़ाते हैं सर? मेरे पापा के दिमाग में ये बात चलती रहती है। एक बार हुआ यूं, एक आदमी और एक औरत की किस्मत भगवान लिखते हैं, कुंडली देखकर, भाग्य मिलाकर, कुंड मिलाकर, उन दोनों को जोड़ने का काम है मेरा, पैसे के लिए मैंने कभी काम नहीं किया, आत्मा की तृप्ति के लिए मैं ये काम करता हूँ, मैं इतनी मेहनत से रिश्ता जोड़ता हूँ, और आप दोनों हैं कि तलाक चाहते हो, क्यों भाई? अरे महाराज, ये तो मेरी बात ही नहीं सुनती है। हाँ तो ये भी मेरी बात कहाँ सुनते हैं? आप दोनों एक दूसरे की बात नहीं सुनते हो, ये समस्या नहीं है, छोटे मोटे केस के लिए तुम्हारे दिमाग में एक वकील घुस गया है ना, ये समस्या है। तुम्हें पता है कि तलाक ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है, दो जिंदगियों को आपस में मिलाना ये धर्म का काम है, दोनों को अलग कर देना ये पाप का काम है। अच्छा, तो उन्हें लगता है कि वो जो रिश्ते बना रहे हैं कहीं आप ना तोड़ दे। तोड़ने जोड़ने के लिए जिंदगी मैच नहीं है, एक पति पत्नी के रिश्ते में प्यार सबसे ज्यादा जरूरी है। आपका कहना सही है सर, लेकिन आप एक वकील हैं, केस सॉल्व करना तो हमारा काम ही है ना? जीतने हारने में तो मेरे पापा का मैच ही सही है, वो इसलिए क्योंकि दूसरे केस में कोई हारता है तो कोई जीतता है, लेकिन डिवोर्स केस में दोनों ही हारते हैं।
और उन्हें ये नहीं पता होता। देखो, ड्रिंक एंड ड्राइव केस में 800 रुपए फाइन है, उसके बाद मेरी फीस, कोर्ट का टाइम, कोर्ट का खर्च, ये सब कुछ देने से अच्छा है दारू पीने के बाद कैब में बैठकर चले जाना चाहिए ना। सर, कैब में ही गया था मैं। कैब में ही गया था? हाँ सर। तो ये केस तुम पर कैसे लगा? सर, कैब ड्राइवर मैं ही हूँ सर। ठीक है ठीक है, मेरी फीस दो सर। ठीक है सर। ए, चाय का पैसा तो दे के जा। सर, चाय पी के निकल जाओ आप। अरे सुन, खाते में लिख लेना। मुझे पता था। आज तक मुझे किसी केस में डर नहीं लगा, लेकिन इस केस में मुझे डर लग रहा है वकील साहब। आज केस की फाइनल हियरिंग है, केस हम ही जीतेंगे ना? 100%। लक्ष्मी, सारे गवाह रेडी है ना? सब रेडी है सर। अध्यक्ष जी, कोर्ट के अंदर मैं जो कुछ भी कहूंगा, आप सिर्फ हाँ में जवाब देना। आप उसकी फिक्र मत करो वकील साहब, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। लेकिन सामने वाला वकील बहुत बड़ा है, इसी बात की टेंशन है मुझे। उसकी किस्मत बहुत अच्छी है और सब जानते हैं कि आज तक उसने एक भी केस नहीं हारा है। हे भगवान, मुझे बचाइएगा, अब आपका ही सहारा है प्रभु। नमस्कार वकील साहब। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। जल्दी चलो। ऐसे देख रहा था जैसे हमें कच्चा चबा जाएगा। क्यों इतना टेंशन लेते हैं, चलिए। केस नंबर 486 वर्क 2018 कमलेश भट्ट वर्सेस जय भुवनेश्वरी सोसाइटी। स्वामी, राजमार्ग के आसपास मेरे ख्याल से 100 मीटर का बफर जोन होना चाहिए। उस बफर जोन में अनाधिकृत कामगार आईपीसी की धारा 440 के अनुसार एक अपराध होता है। इस तरह की जगह पर ये भाई साहब ने एक बड़े स्कूल के भवन का निर्माण करवा दिया और वहाँ पर ये बिजनेस कर रहे हैं। आप ही बताइए जज साहब, ये बात गलत है कि सही है? सर, मैं गरीबी में पला, मेहनत मजदूरी करते जिंदगी गुजर गई और स्कूल भी नहीं गया। मेरी परिस्थिति जैसी थी वैसी किसी की नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैंने 20 करोड़ खर्च करके स्कूल बनवाया और आप कहते हैं बिजनेस कर रहा हूँ। ये बिजनेस ही है, इसे बिजनेस कहते हैं। मैंने अपने खुद के बेटे को LKG में दाखिला कराने के लिए करीब 2,11,000 रुपए की राशि डोनेशन में दी है। इतनी परेशानी के बावजूद पुराने जमाने में मैंने इतने में पूरी LLB कर ली थी। अब जज साहब, आप इसे सार्वजनिक काम या फिर समाज सेवा समझे, इसका फैसला मैं आप ही के ऊपर छोड़ना चाहूंगा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, बिजनेस का नाम देकर पढ़ाई का अपमान कर रहे हैं मेरे काबिल दोस्त। मेरे क्लाइंट माननीय अध्यक्ष जी ने कोई भेदभाव किए बिना गरीब बच्चों को भी बराबर की शिक्षा मिले, इसीलिए उन्होंने 40% सीट गरीब बच्चों को दिलवाया है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसी के हैं। अब मैं उन सारे गरीब बच्चों के माँ बाप को कोर्ट में बुलाना चाहूँगा सर, आपकी परमिशन चाहिए। परमिशन ग्रांटेड। बोलिए सर, आपने कितने लाख फीस में दिए हैं? 1 रुपए भी नहीं दिए सर, ये तो हमारे लिए देवता है। शानदार एक्टिंग कर रहा है। हाँ सर, ये सही कह रहे हैं, हम लोग इन्हीं की वजह से तो आज जिंदा है। जज साहब, इनके जितने भी लोग यहाँ पे गवाही देने के लिए आए थे, ये सब एक नंबर के झूठे हैं। तुम्हारे पास कोई सबूत है? जिसे आंखों से दिख रहा हो उसे आईने की क्या जरूरत है जज साहब? देखिए, ये जो औरत है ये छोटी मोटी पिक्चरों में काम करने वाली जूनियर आर्टिस्ट है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है इसे। और वो बाजू में जो चाचा खड़े हैं उन्हें उनके सीरियल वाले छोड़ने को ही राजी नहीं है। ये सब पिक्चरों में काम करने वाले जूनियर आर्टिस्ट हैं सर, और ये औरत ये सीरियल में हीरोइन की माँ का काम करती है। मेरी बात मानिए, सब लोग जूनियर आर्टिस्ट हैं जज साहब, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आप चाहें तो मैं इस बात को साबित भी कर सकता हूँ। थैंक यू। अनंत कृष्णा के सारे गवाह झूठे हैं, इस केस पर रोशनी डालेंगे। देखिए जज साहब, ये सब जूनियर आर्टिस्ट ही हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये नहीं है, पर वो भी मेरे और आपकी तरह एक इंसान ही हैं, और वो भी गरीब हैं। एक दिन शूटिंग में जाते हैं तो 500 रुपए मिलते हैं, शूटिंग 10 दिन होती है तो 20 दिन नहीं होती, और उसके बाद घर का खर्च, ये खर्च, वो खर्च, बहुत सारे खर्च होते हैं, उसमें से एक खर्च स्कूल फीस भी है। तो क्या इनके बच्चों को पढ़ाई का कोई हक नहीं है? और ऐसे ही लोगों की मदद कर रहे हैं हमारे अध्यक्ष साहब। हाँ साहब, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो। ये सब झूठे गवाह कैसे हो सकते हैं? जज साहब, अनंत कृष्णा को मूवी का डायरेक्टर होना चाहिए, गलती से वकील बन गए हैं ये। अब तक CDI की इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि इनके करीब 193 कॉलेज बन चुके हैं और उनमें से करीब 300 कॉलेज ऐसे हैं
जिसके लिए बिल्डर ने अधिकारियों को घूस दे देकर सरकार की नाक में दम कर रखा है। उन सारे कॉलेजेस में से कौन सा कॉलेज गलत है और कौन सा सही है, इस बात के लिए सरकार ने पूरी खोजबीन शुरू कर दी है। प्रूफ के तौर पर जज साहब, मैं ये पेन ड्राइव लेकर आया हूँ। लगाओ जरा, लेकर के दिखाओ। जज साहब ये देखिए, ये हमारे अध्यक्ष साहब का स्कूल है और ये देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये स्कूल हाईवे के बीचों बीच, देखिए बीचों बीच बना हुआ है। वहाँ से जो आने जाने वाले लोग हैं उनकी असुविधा को देखते हुए, माय लॉर्ड, मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस स्कूल को वहाँ से हटा दिया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। अनंत कृष्णा, तुम इस बारे में कुछ कहना चाहोगे? यस योर ऑनर। मेरे काबिल दोस्त जल्दबाजी में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भूल गए हैं। योर ऑनर, पी मतलब प्रोविजनल, मतलब तत्कालिक। अगर आप ध्यान से नक्शे में इस जगह को देखें तो समतल जमीन में और आजू बाजू के गांव के हिसाब से पुराने नक्शे में बीच का महामार्ग था ही नहीं। आजू बाजू के गांव के हित के लिए राजमार्ग अगर बनाना है तो बनाना चाहिए, क्योंकि ये सब सोच समझ के बनाया गया है गांव के हित के लिए। पहले इस इलाके में पानी की बहुत समस्या थी और इसलिए यहाँ पर हाईवे की कोई जरूरत नहीं थी। मेरे क्लाइंट माननीय अध्यक्ष जी ने कानूनी तौर पर पूरे पैसे देकर ये जमीन खरीदी है और सारे अप्रूवल्स के साथ ये स्कूल बनाया है, और उससे भी ज्यादा इन गरीब बच्चों को शिक्षा की बहुत जरूरत है और इसलिए इस स्कूल को लीगल तौर पर प्रमाण दिया जाए। मेरी आपसे यही प्रार्थना है। थैंक यू योर ऑनर। तमाम गवाहों के बयानात और सबूतों के आधार पर और दस्तावेजों पर गौर करने के बाद अदालत अपना ये फैसला सुनाती है कि गवलिंग स्वामी की जय भवानी एजुकेशन सोसाइटी को लीगल करार दिया जाता है। क्या बात है वकील, तुम तो मेरी नजरों में हीरो हो गए। मैडम जी, चलता हूँ। बहुत बढ़िया, अच्छा किया। सर, आप तो केस हार गए, बुरा लग रहा होगा ना? आज के बाद इस कोर्ट में कोई भी वादे नहीं करूंगा। जाकर किसी और को असिस्ट करो, जाओ। अब आप क्या करेंगे सर? वकील साहब, मैं ये सोचकर बहुत डर रहा था कि शायद मैं ये केस हार जाऊंगा, लेकिन आपने सब कुछ मैनेज करके मुझे जिता दिया। अब मुझे एमएलए की टिकट जरूर मिल जाएगी। अच्छी बात है। वकील साहब, मैं तुम्हें कुछ ना कुछ देना चाहता हूँ, क्या चाहिए बताओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए अध्यक्ष जी, हमने कोर्ट में बहुत सारे झूठे गवाह पेश किए। गवाह झूठे थे पर बात झूठी नहीं थी। आप जहाँ स्कूल बना रहे हैं वहाँ बहुत गरीब लोग रहते हैं, उन गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाइए, मुझे यही चाहिए। अरे उस एरिया का ही नहीं, अगल बगल के सारे बच्चों को मैं फ्री में पढ़ाऊंगा। सर, कम से कम 300 बच्चे हैं, हमें घाटा होगा। ए, वो घाटा नहीं है, मुनाफा है। बैंक में पैसे जाए या ना जाए, लेकिन मेरा वोट बैंक बढ़ता ही रहे। पॉलिटिकल करियर में आगे बढ़ने के लिए यह सबसे अच्छा आइडिया है। वकील साहब, तुमने जैसा बोला है ना, मैं यहाँ के सारे बच्चों को फ्री में पढ़ाऊंगा। अब लेकिन मैं तुम्हें भी कुछ देना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए सर, सच में। मैं जानता था तुम नहीं मानोगे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम मेरे दिल में हो। कहाँ हो? दिल में। अब जल्द से जल्द दूसरे वकील को पकड़कर अपनी बहन का तलाक करवा दूंगा। हाँ ठीक है, करवा लीजिए। वकील साहब, तलाक हो जाने के बाद मैं अपनी बहन की शादी तुमसे ही करवाऊंगा। अगर तुम साथ में रहोगे तो मैं एमएलए क्या सीएम भी बन जाऊंगा। वकील साहब, उस लड़के ने मेरी बहन को सिर्फ मंगलसूत्र पहनाया, उन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है, बाल बच्चे भी नहीं है। तुम उसके बारे में कोई टेंशन नहीं लेना, मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगा। अब वकील साहब, मैं तुमसे बात कर रहा हूं और तुम मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे। अध्यक्ष जी, मुझे मंजूर है, आप जल्द से जल्द डिवोर्स करवाइए, मुझे एक जरूरी काम है, मैं चलता हूं, बाय। चलो।
क्या रे अनंतु, इतना बड़ा केस जीत गया है, तू खुश क्यों नहीं है? बात क्या है आखिर मेरे भाई? नहीं कोई बात नहीं है। वैसे वो लड़की जज है क्या? लड़की कौन सी? वो फैमिली कोर्ट में आकर जज बनी है, उसकी बात कर रहा है? हाँ। पेपर नहीं पढ़ता है तू? नुसरत फातिमा बेग बहुत छोटी उम्र में जज बनी है, पेपर में नाम आया है, सब जगह फेमस है। बड़े बड़े केस जीते और छोटी छोटी बातें ध्यान में नहीं रखते हो। छोटे उस्ताद, तुम्हारा टिफिन खाली हो गया है क्या? हाँ एकदम खाली है। अनंतु, मैं आऊंगा करके तुमने खाना नहीं खाया और मेरा इंतजार भी कर रहे थे, ग्रेट दोस्त। एक बात सुन, मैंने आज नुसरत को देखा। क्या, नुसरत को देखा? हाँ। कहाँ? फैमिली कोर्ट में यार, वो जज बन गई है। जज? अब हो गया कल्याण, मैंने कहा था ना कि ये तेरा लव मैटर आगे काम नहीं करेगा। नॉर्मल लड़की को पटाना इतना मुश्किल है आज की डेट में, और ऊपर से तू जज को पटाएगा, हो ही नहीं सकता। क्यों, जज है तो क्या हुआ, जो कोर्ट में है वो दिल में नहीं आ सकती, ये कोई कानून है क्या? हाय। हाय। मैं कौन हूं तुम्हें पता है? इसमें नया क्या है? मुझे पता है कि तुम एक वकील हो। बताओ तुम्हें क्या काम है? मैं अनंतु।